तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए तैयार कर दिया भाई, एक ग्रेवी बना रहे हैं मस्त। और यहाँ टोनी मल भी उठ के आ चुका है। ओ टोनी मल, तू भी खाएगा चाचू के हाथ की सब्जी? बता दे खाएगा क्या? हाँ खा लेगा लग रहा है। ओहो शर्मा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्ती मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई हमारी अमृतसर से। लास्ट डे है भाई, आज हमारे फाइनली दर्शन होने वाले हैं। अभी तक तो दर्शन हुए नहीं थे, मतलब मनीत और मेरे एक साथ। ऐसे तो मैंने दर्शन कर लिए, लेकिन आज मनीत और मैं एक साथ दर्शन करके पक्का जाएंगे। उसी के बाद तो अपने चौथे तक पूरा होगा भाई, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। चलते हैं सीधा मठा टेकने के लिए। और मैं आपको बताऊँ भाई, आज ना हमारा लास्ट डे है, मतलब आज ही हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और फिर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ नया स्पेशल प्लान करके रखा है, वो आपको पता चल जाएगा आगे वाले ब्लॉग्स में। चलो भाई चलते हैं पहले फटाफट दर्शन करने के लिए। तो भाई बढ़िया तरीके से दर्शन करके वापस आ चुके हैं। अब सीधा हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। मैंने आपसे कहा था हमारी ट्रेन है भाई 3 बजे की, शाने पंजाब। चलते हैं सीधा और टाइम से पहुंच जाते हैं ट्रेन, ताकि मिस ना हो। बाकी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश था भाई, मतलब हमको पूरे 2 घंटे लग गए आज भी दर्शन करने के। आज वैसे ट्यूजडे था, ना सैटरडे था ना संडे था, तब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखना, रात को ही दर्शन करना ज़्यादा सही रहता है। बाकी अपने को एडिटिंग करनी होती है, तो रात को सूट नहीं कर पा रहा था टाइम, तो हमें दिन में ही जाके दर्शन करने पड़े। बाकी चलते हैं अब रेलवे स्टेशन के लिए। आज मनीत और मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, ज़्यादा लोग ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ सकते, पता है कि वो चेयर कार है, उसमें सीट ही अपनी अपनी बुक होती है, तो अपनी सीट पे हम आराम से बैठेंगे भाई, है कि नहीं? अब कोई नहीं बोलेगा भैया थोड़ा सा हटना, ऐसे बाकी ट्रेनों में बोलते ना थोड़ा सा हटना भाई, थोड़ा सा, तो बेचारी मनीत पिचक जाती है। बाकी ये ट्रेन भी खड़ी हुई है, अभी ये निकलने वाली चंडीगढ़ के लिए, और फिर हमारी यहीं ट्रेन आएगी। इस ट्रेन के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मैंने नोटिस किया, पूरा प्लेटफॉर्म भर दिया है भाई लोगों ने। और ट्रेन का कोई नंबर लिख के नहीं आ रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ, क्योंकि ट्रेन के बोगीज का नंबर ऊपर देखो कहीं भी लिखा नहीं आ रहा है अभी भी, इसी की वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है लोगों को। चलो भाई हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, और बेस्ट पार्ट पता है क्या इस ट्रेन का? देखो भाई स्पेस दबा के होती है, आराम से बैठे हम लोग कम्फर्टेबली। और देखो मेरी शेरवाली चप्पल दिख भी बड़ी मस्त रही है। बस थोड़ी बहुत देर में ट्रेन चल जाएगी, पर हमारे साथ एक मतलब ट्रेजेडी हो चुकी है, पता है क्या? सिवाय हमारे बाकी सबके फ़ैन चल रहे हैं, बस हमारा ही फ़ैन नहीं चल रहा है। बस यही ट्रेजेडी खतरनाक हुई है, बाकी सब ठीक है। मनीत गर्मी में पसीने आएंगे दबा के, ये बात इसे पता कैसे थी? ये तो लड़कियों को बताया जाता है। बाकी इसने विंडो की सीट पहले गिर ली है भाई, ताकि इसे हवा मिलते रहे, और सीट मेरी बुक थी विंडो की। हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई भाई, दोनों को बाहर बाहर वाली सीट मिली, मुझे यहाँ की और उसे वहाँ की। मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों दिए ऐसे, थोड़ा तो सही तरीके से दे देते सीट, समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं ट्रेन स्टार्ट होने का। थोड़ा बहुत चटर पटर ले लिया है, ट्रेन रुक चुकी है जलंधर पहुंच के, और प्लेटफॉर्म पे उतर के मैंने सामान ले लिया खाने के लिए। चढ़ते वापस अंदर भाई,
बाकी अपनी जो ट्रेन है ना वो ऑन टाइम चल रही है बिल्कुल, थोड़ा भी लेट नहीं चल रही है, तो सही है, कंफर्टेबल है पूरा। तो भाई हाँ बाहर गया था, सोते हुए प्राणी को अब पता चला कि पानी भी खत्म हो गया, पहले बता देते तो मैं ले आता, ट्रेन चल पड़ी। तो मुझे ध्यान नहीं रहा ना, जैसे तुझे चिप्स मांगे वैसे पानी मांग लेती। भाग गया मैं तो, जल्दी जाना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है, नहीं अरे जल्दी जाना पड़ता है, ट्रेन चल जाती है। ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, आपकी सुनवाई कोई नहीं है भाई, मेरी भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। ये नहीं समझ में आ रहा, चिप्स के पैकेटों के अंदर पैक क्या करके दे रहे हैं भाई ये लोग, देख रहे इतने से हैं सिर्फ, और इसके देखना भाई बिल्कुल थोड़े थोड़े से देते हैं भाई, चाहे वो 20 रुपए वाला पैकेट है, बड़ा सा पैकेट है, हवा भर के दे देंगे उसमें, पता नहीं क्या करते हैं। इससे अच्छा तो घर के पापड़ बना के लेके कैरी कर लो भाई, वो बढ़िया है, 20 रुपए में बहुत सारे आ जाएंगे। कैसा ना, घर के पापड़ बेस्ट होते हैं, घर के पॉपकॉर्न भी अच्छे होते हैं। वो जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है ना चीज वाला पाउडर, अच्छा वो डाल के खाओ मजा आता है। चलो चीज वाला पाउडर मैं भी ट्राई करूंगा पक्का। भाई ट्रेन से ये फायदा हो जाता है कि अपने जितने पेंडिंग वीडियोस होते हैं ना वो पूरे एडिट हो जाते हैं। मैं हमेशा ट्रेन में जब भी बैठता हूँ और लंबा सफर होता है मैं सारे वीडियो एडिट कर देता हूँ जो पेंडिंग बचे होते हैं। जैसे मेरे अभी पिछले के 2 वीडियोस पेंडिंग थे मैंने उन्हें एडिट कर लिया भाई, मरीज ने अपनी नींद पूरी कर ली है। कर ली नींद पूरी, हाथ सो गए? हाँ तो हाथ के बल में सोएगी तो सो ही जाएंगे हाथ, ये मस्त सो गई थी भाई ट्रेन की हवा लेते लेते भाई, खिड़की से मिली हुई है तो पूरा फायदा उठा रही है, कोने में चिपक के सो गए भाई, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वहाँ से, मस्त मौसम भी ठंडा हो चुका है, सफर भी अपना ऐसे ही है, रात के 10 बजे तक पहुँचना है तो तब मस्त घूमते फिरते जाएंगे। वैसे जलंधर के बाद मैं कोई भी स्टेशन पे नहीं उतरा, लेकिन अभी अंबाला आने वाला है तो वहाँ उतरूंगा भाई, कुछ ना कुछ खाने के लेके आने के लिए। कुछ खाना है? क्या खाना है, क्या खाना है? चाय तो नहीं पीनी? देखा इसे चाय जरूर पीनी होती है, ये चटोरी चाय बहुत पीती है। पर मेरे साथ पूरा उल्टा है भाई, मुझे गर्मियों में चाहिए ठंडा और सर्दियों में चाहिए भाई गरम। मुझे सर्दियों में कावा बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन चाय तब भी इतनी पसंद नहीं है। बस थोड़ी देर में ही आने वाला है अम्बाला, बड़ी स्पीड में चल रही है ट्रेन, काफी ज्यादा तेज। टाइम हो चुका है शाम के 7:15 और हमारी ट्रेन हमें पहुंचाएगी 10:30 के आसपास, बिल्कुल ऐसे टाइम में पहुंचेगी जो घर पहुंच के सीधा खाने खाने का टाइम, और घर का खाना मिलने वाला आज, मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, काफी दिन बाद मैं घर का खाना खाने वाला हूँ और टोंडीमल से ही मिलने वाला हूँ। बाकी खाना अमृतसर का बहुत बढ़िया था भाई, काफी ज्यादा मजा आया। खैर सो अम्बाला पहुंच चुकी है ट्रेन, और यहाँ ट्रेन ना कम से कम 10 मिनट के लिए रुकती है तो आराम से सामान लेके अंदर पकड़ा सकते हैं मनीत को, ये बैठी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है। और पानी भी चाहिए? अच्छा हाँ पानी भी लेके आना, भूल जाऊंगा फिर से, पानी ले आता हूँ, और चाय चाहिए इसको, बाकी कुछ चटर बटर मैं अपने लिए भी ले लूंगा भाई। भैया एक मशीन वाली चाय, एक थम्सअप, कुरकुरे है नहीं? अब मैं 3 घंटे तक कहीं नहीं उतरूंगा, सीधा दिल्ली जाके उतरूंगा ठीक है, और इसके बाद वैसे भी ज्यादा देर लिए कहीं रुकती भी नहीं है। एक और चीज और ले आओ। नहीं 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 ट्रेन चलने वाली है, अभी उतरूंगा भाई, पता चला मैं नीचे उतर जाऊंगा, हॉर्न बज गया। नहीं भाई एक बार में सामान ले आओ, जो लेके आना बार बार नहीं उतरना था। अरे मैं एक ही चिप्स लेके आया इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक चिप्स खा चुकी थी तू, इसलिए अभी आधा आधा खा लेंगे बहुत है। ट्रेन चालू हो गई है, हॉर्न पे हॉर्न दे रही है, निकल जाएगी, अब मैं नहीं जाता है, अब सीधा दिल्ली जाके उतरूंगा भाई, उससे पहले नहीं, सीधा टोंडीमल के साथ बैठे खाना खाएंगे। अब टोंडीमल क्या खा रहा ना खाए, फिफ्थ मंथ का, चलो अब जाए कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो लो भाई मैंने कहा था ना ट्रेन चल जाएगी, चल पड़ी ट्रेन, अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं उतरा। तो ट्रेन आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है भाई क्योंकि ये दिल्ली के पास पहुंच भी चुकी है।
अपनी ट्रेन अभी सोनीपत पहुँची है और बस दो स्टेशन और रह गए, उसके बाद अपन दिल्ली पहुँच जाएंगे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर अपन घर के लिए निकल जाएंगे। ऐसे अगर देखा जाए ना ट्रेन नॉर्मली पंजाब वाले जोन में ज़्यादा भरी जाती है, और अगर डे टाइम पे चले ना तो जब दिल्ली की तरफ आएगी तो सोनीपत और पानीपत से इतने लोग चढ़ जाएंगे, ट्रेन फुल हो जाती है खतरनाक तरीके से। बाकी बाहर उतरते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं भाई। बहुत दिन हो गए घर का खाना खाए हुए, घर का खाना खाएंगे आज। लो भाई दोस्तों, दिल्ली पहुंच चुके हैं भाई। दिल्ली पहुंचते दिल खुश हो जाता है भाई सच्ची, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें होती हैं और आराम से ट्रैवल हो जाता है यहाँ पे अंदर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा हाई स्पीड पकड़ने के लिए। हाई स्पीड हमें बहुत जल्दी छोड़ देगी घर, सीधा हम घर पहुंच जाएंगे द्वारका। और एक बात बताऊँ भाई, ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना ना बहुत रिलैक्समेंट होता है भाई। मैंने दो दो वीडियो एडिट कर लिए, दो दो वीडियो मैं घर में नहीं एडिट कर पाता हूँ, लेकिन ट्रेन के अंदर अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है मेरा और मैं आराम से एडिटिंग कर लेता हूँ। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और हाई स्पीड पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं सीधा घर। आज तो 20 माइल से ही मिलेंगे। वाले पैसेज में चल के ना जेन्युइनली फील होता है हमारा देश काफी चीजों में, बहुत देशों से तरक्की कर रहा है भाई, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है पैसेज। और ये दिल्ली के अंदर है भाई, मेट्रो की कनेक्टिविटी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अलग से चमक रहता है दूर दूर से, किसी को ना भी समझ में आया तो समझ में आया ये मेट्रो का पुल है, इससे मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं सीधा। वैसे अपनी ट्रेन का टाइम थोड़ा सही था, मतलब वो आधा घंटा ही लेट हुई, और अगर आधा घंटा लेट होती ना तो जो हमारी लास्ट मेट्रो है ना वो मिस हो जाती और फिर दिक्कत हो जाती। खैर बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, टिकट लेते हैं और सीधा निकलते हैं घर के लिए। हे क्या हाल है सुप्रीत कौर दी? ओले, ये टोंडी मल का छोटा भाई कौन खड़ा है यहाँ पे? ये था टोंडी मल का छोटा भाई कैसे खड़ा है यहाँ पे? ये टोंडी ओ ओ ओ अपने आप चल रहा भाई, जादू हो रहा है, ये देखिए 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 ओले। भूत रहते हैं ना बाबू के घर में। अच्छा अपने आप मूविंग करने लग गया वो। होम स्वीट होम, घर वापस पहुंच चुके हैं भाई, 20 माइल से मिलवाते हैं आप लोगों को। अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं भाई, 20 माइल सो रहा है अभी, सेठ जी सो रहे, सॉरी। ऐसे सुप्रीत दी ने पुलाव बनवा के रखे थे, और जो दीदी आती ना घर में उन्होंने पुलाव थोड़े फीके फीके बना दिए थे, तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए तैयार कर दिए भाई, एक ग्रेवी बना रहे हैं मस्त। और यहाँ टोंडी मल भी उठ के आ चुका है। ओ टोंडी मल, तू भी खाएगा चाचू के हाथ की सब्जी? बता दे खाएगा क्या? हाँ खा लेगा लग रहा है। ओ शर्मा रहा है।